आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के बाइकर्स गैंग मामले और करहिया गोलीकांड में रीवा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने वारदात में शामिल तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से तीन लोडेड पिस्तल भी जब्त की गई है। जबकि पूर्व में एक आरोपी ने न्यायालय में सरेंडर कर दिया था, जिसे भी पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। यह पूरी कार्रवाई एसपी नवनीत भसीन के निर्देश पर चौराहा थाना प्रभारी अविनाश पांडे, नौबस्ता चौकी प्रभारी मनोज गौतम और साइबर सेल के उपनिरीक्षक गौरव मिश्रा की टीम द्वारा की गई है। हम आपको बता दें, चौराहा थाना क्षेत्र के करहिया मंडी में करीब दो दर्जन युवकों द्वारा हवाई फायर किया गया था। इस दौरान एक युवक भी घायल हुआ था। वहीं इसी बाइकर्स गैंग द्वारा शहर के अलग अलग स्थानों पर भी मारपीट की वारदात की गई थी, जिसके बाद एक्शन में आए पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने टीम गठित कर इस पूरे बाइकर्स गैंग को चिन्हित कर पकड़ने के सख्त निर्देश दिए थे। पूर्व में भी चार आरोपियों को समान और सिविल लाइन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। जबकि वारदात में शामिल बाइकर्स गैंग के रोहित उर्फ बाबा, अर्पित सिंह बघेल निवासी पलहान थाना बैकुंठपुर, निहार दुबे निवासी जीवला थाना सिटी कोतवाली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों युवकों के कब्जे से तीन लोडेड पिस्तल जब्त की है, जबकि लकी सिंह उर्फ मेंटल ने न्यायालय में सरेंडर कर दिया था, जिससे पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर ली है। सभी आरोपियों को आज फिर न्यायालय में पेश किया जाएगा, जबकि बाइकर्स गैंग में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है।